जय हिंद दोस्तों। तो गाइस आज आपका भाई जा रहा है एटा, क्योंकि वहां पर पढ़ता है हमारा बचपन का मित्र बीटू। तो मैंने सोचा जिस तरह अपने कॉलेज की वीडियो बना के नए स्टूडेंट की हेल्प हुई थी, उसी तरह क्यों ना राजकीय पॉलिटेक्निक नगरिया मोड़ एटा, जहां पर हमारा मित्र बीटू पढ़ता है, तो उस कॉलेज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट राजकीय पॉलिटेक्निक एटा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो फिर क्या, ये लक्ष्य लेके हम लोग निकल पड़े। तो चलिए चलते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक एटा। और गाइस ये आ रही हमारी कार, और ये कार हमारी निकल भी गई। और गाइस यहाँ पर एक भैया जी मिल गए थे जिन्होंने अपने वाहन पर बैठने का मौका दिया। तो चलिए फ्री में पहुंचेंगे सिकंदर राव। तो गाइस अगर आप हाथरस से आते हैं, अलीगढ़ की तरफ से आते हैं, तो आपको सबसे पहले सिकंदर राव आना पड़ेगा। और ये जो आप चौराहे देख पा रहे हैं, इसका नाम है पंत चौराया। इसको आपको राइट साइड मुड़ जाना है, वहाँ से आपको टेम्पो पकड़ना है जो कि एटा के लिए जाता है। पर आपको एटा नहीं जाना है, क्योंकि एटा के पीछे ही हमारा कॉलेज है। तो आपको जो टेम्पो में बैठेंगे या बस में बैठेंगे, तो आपको नगरिया मोड़ उतरना है, गुलाबपुर या नगरिया मोड़, वहाँ पर हमारा कॉलेज है। तो चलिए चलते हैं नगरिया। गुलाबपुर जहाँ बीटू भाई हमारे रहते हैं, और जब भी आप कॉलेज आएंगे तो आपको गुलाबपुर नहीं उतरना, आपको नगरिया मोड़ उतरना है, आपको एटा बिल्कुल भी नहीं जाना है। और यहाँ से जो है वो 500 मीटर की दूरी पर ही नगरिया मोड़ है, और सामने जो आप फ्लाईओवर देख पा रहे हैं उसके ऊपर होके नहीं जाना है, आपको नीचे होके जाना है। तो वहाँ आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा हरा हरा, वही के नीचे एक मोड़ गया है, वही को हम नगरिया मोड़ कहते हैं, वही हमारा कॉलेज है। आपको एटा बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है वो एटा और सिकंदर राव के बिल्कुल बीचों बीच है। और यहाँ से जो एटा हमारा वो 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, और सिकंदर राव से नगरिया मोड़ की जो दूरी है वो 17 किलोमीटर है। तो अगर आप हाथरस से आते हैं, अलीगढ़ की तरफ से आते हैं, तो आपको वहां से जो टेम्पो पकड़ना है एटा के लिए पकड़ना है, पर वो आपको रास्ते में नगरिया मोड़ पर उतर जाना है, जहां पर हमारा कॉलेज है। और अगर आप एटा से आते हैं, तो आपको एटा से जब टेम्पो पकड़ेंगे तो आपको सिकंदर राव के लिए नहीं पकड़ना है, आपको वहां पर भी नगरिया मोड़ के लिए ही पकड़ना है। कुल मिला के आपको नगरिया मोड़ या गुलाबपुर आके रुकना तो है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बीटू भाई के रूम में, तो चलिए चलते हैं बीटू भाई के रूम में। वाह ये भाई साहब चल क्या रहा है ये। जा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज नगरिया मोड़ पर, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं, वहां पर थोड़ी सब्जी भी लेंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर मोड़ देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है निदौली कला राजकीय पॉलिटेक्निक, मतलब वहाँ जो मोड़ दिया गया है वहाँ पे निदौली कला और राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए मुड़ना है, तो हमें जाना है राजकीय पॉलिटेक्निक। तो चलिए चलते हैं। और गाइस ये जो आप मोड़ देख पा रहे हैं इसी का नाम है नगरिया मोड़, इसे नगरिया मोड़ के नाम से जाना जाता है। तो आप सिकंदर राव से आते हैं या एटा से आते हैं, तो आपको इस जगह आना पड़ेगा, नगरिया मोड़ में आना पड़ेगा। और यहाँ से आपको जो कॉलेज है उसकी बिल्डिंग दिखना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक नगरिया मोड़ एटा वाला कॉलेज। और गाइस ये जो कॉलेज है वो सिकंदर राव और एटा के बीचों बीच पड़ता है। यहाँ से सिकंदर राव की दूरी 17 किलोमीटर है, और यहाँ से एटा की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है। कॉलेज हमारा है वो नगरिया मोड़ पर स्थित है, तो आप
आप अगर एटा से आते हैं, सिकंदरा से आते हैं, तो आपको नगरिया मोड़ आना पड़ेगा जहाँ पर हमारा कॉलेज है। और क्या इस कॉलेज के पूरे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें पूरे कॉलेज को एक्सप्लोर किया है, हर क्लासरूम को, लाइब्रेरी को, वर्कशॉप को, हॉस्टल को, तो वो आप जरूर जाके देखिएगा। और गाइस जो लोग ट्रेन से आते हैं टूंडला या सुकवा, तो वहाँ से आपको बस पकड़नी है एटा के लिए। इसके बाद एटा से आपको नगरिया मोड़ आना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये कॉलेज है वो एटा में नहीं है, एटा के और आगे आपको आना पड़ेगा। एटा से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है नगरिया मोड़, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। अगर आप कासगंज स्टेशन पर आते हैं तो आपको कासगंज से भी आपको बस पकड़नी पड़ेगी एटा के लिए, और एटा से आपको यहाँ आना पड़ेगा नगरिया मोड़ के लिए। अगर आप हाथरस या अलीगढ़ की तरफ से आते हैं तो आपको सिकंदराव आना पड़ेगा, सिकंदराव से आपको नगरिया मोड़ आना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर हमारे वीटू भाई साहब सब्जी ले रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कॉलेज के पास में ये सारी सब्जी वब्जी मिल जाती, तो आपको यहाँ पर कोई भी समस्या भी नहीं होने वाली है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ खाने पीने के लिए मिल जाती हैं, जो कि बढ़िया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर पास में रेस्टोरेंट है राजा रॉयल, तो चलिए चलते हैं राजा रॉयल रेस्टोरेंट में। गाइस यहाँ पर लड्डू लग चुके हैं और मैं तो भाई चीफ गेस्ट बन के आया हूँ, तो यहाँ पर बीटू भाई से हमारी खुशामद कर रहे हैं। तो चलिए खुशामद को करते हैं स्वीकार और खाते हैं लड्डू। और गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है, तो जब भी आप एडमिशन लेने आएंगे यहाँ पे, जब आप एडमिशन लेंगे तो हो सकता है ये कंप्लीट भी हो जाए और आपको यहाँ पर बेनिफिट भी देखने को मिल सकते हैं। आलू टमाटर बनाएंगे, इसके एंजॉय करेंगे। आप भी जब आएंगे यहाँ पे आपको भी एंजॉय वीडियो आता दिखाएंगे, सबको कराएंगे सबको। हालांकि ये फाइनल ईयर में है तो शायद आपको ना मिल पाएंगे अगली बार, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा, फिर भी आपकी हेल्प होगी कहीं से भी हो। और भाई को इंस्टाग्राम आईडी जो आपको लेके मिल जाएगी, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं, जो कॉलेज के बारे में पूछना है फॉलो करना, तो आप फॉलो करके इंस्टाग्राम को आपको फॉलो करना है इनको भाई को, और मैसेज करना है जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी एटा पॉलिटेक्निक के विषय में, वो आपको भाई दे देंगे। तो क्योंकि भाई का फाइनल ईयर है, जो भी प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज कैसा है, सारा कुछ वीटू यादव जी बता देंगे। तो गाइस ये है पेट्रोल पंप, और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल ही नहीं मिलता है, बल्कि आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से आप पैसे भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारे वीटू भाई निकाल रहे हैं। आपको बस एटीएम की ज़रूरत है, आपके पास एटीएम यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। लोग आ चुके हैं बीटू भाई के रूम पर, और अभी हम लोग छत पर डोल रहे हैं,
और गाइस आपको बता दें ये गुलाबपुर गांव है, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर भी रूम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही बड़ा गांव है, और यहाँ से जो कॉलेज दूरी है वो 500 मीटर ही है, तो यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। और गैस यहाँ पर जिम की भी सामग्री रखी है, लेकिन बीटू को देखकर उसकी बॉडी को देखकर लगता तो नहीं है जिम भी करता होगा, ऐसे ही इसने एकत्रित कर रखा है। और हमारे पीछे बाबा जी रामायण पढ़ रहे हैं। हम लोग खाना पीना खा के यहाँ शाम को टहलने के लिए आए हैं, और शाम का जो नज़ारा है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा है, आप दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ लाइट एट बाकायदा फ्लाईओवर लगी हुई है, तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने कॉलेज के आने का रास्ता के बारे में बात की है, और कॉलेज की फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। जय हिंद।